हाय गाइस, मैं हूँ सीएस दीक्षा और आज मैं आप लोगों के साथ कुछ ऐसी बातें करने वाली हूँ जो कि लास्ट फ्यू मंथ्स में बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हमारे एग्ज़ाम में 3 महीने बाकी है, पर ये 3 महीने बहुत क्रूशियल होता है। ये आपकी जितनी भी प्रिपरेशन है उसको या तो बूस्टअप कर सकते हैं या फिर उसको बिगाड़ सकते हैं। सो, अभी जो आने वाले हमारा जो टाइम है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आज हम वही चीज़ बात करने वाले हैं, हम वही चीज़ समझेंगे कि लास्ट फ्यू मंथ में आपको कैसी आपके बिलीव्स है, कैसे आपकी जो प्रिपरेशन लेवल है या जो भी आप चीज़ें कर रहे हो वो कैसे इफ़ेक्ट करेगी, वो क्या काम करेगा, वो कैसे काम करेगा आपको पास या फेल करवाने में। तो आज हम बात करते हैं दो तरह के स्टूडेंट्स की, कि स्टूडेंट्स आपके दो टाइप्स के होते हैं और ये जो दोनों स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, एक है, ये है हमारा फर्स्ट स्टूडेंट, ये है हमारा सेकंड स्टूडेंट, ये है ए और ये है बी। अब हम बात करते हैं कि इनकी क्या क्या स्ट्रैटेजीज है, क्या क्या चीज़ें हमारी अभी कर रहे हैं। ये जो दोनों हैं मिस ए और बी, दोनों की अभी 50-50% की प्रिपरेशन हो चुकी है, 50% इन लोगों ने पढ़कर इनका हो चुका है। अब जो ए स्टूडेंट है वो क्या है, इसका फ्रेंड सर्कल बहुत बड़ा है, इसका फ्रेंड सर्कल बहुत बड़ा है, ये बहुत ही इमोशनल है, इमोशनली वीक है। इसको अगर कोई बंदा कुछ बोल देता है तो ये बहुत ज़्यादा उस बारे में सोचता है, ओवरथिंकर है। कोई भी अगर परेशानियाँ आ जाती है तो ये बहुत जल्दी स्ट्रेस्ड हो जाता है। इसका फ्रेंड सर्कल इतना बड़ा है कि ये इसका मीम्स वगैरह शेयर करना पड़ता है इसको डेली बेसिस पे सबको। ये फेसबुक पर है, ये इंस्टा पर है, ये व्हाट्सएप बहुत यूज़ करता है। ये अपने आप को बिल्कुल रोक ही नहीं पाता है अगर कोई नोटिफिकेशन आता है तो। इसके लाइफ में मोबाइल फ़ोन एक बहुत प्रायोरिटी लेवल पर है। इसका जो ब्रेन है, इसका जो माइंड है, वो हमेशा एक क्लाउड में रहता है, मतलब एवरी टाइम ही इज थिंकिंग अबाउट समथिंग। जो हमारा बी स्टूडेंट है, बी स्टूडेंट की भी लाइफ लगभग सिमिलर है। इसकी लाइफ भी ऐसी ही चलती आ रही है कि फ्रेंड्स बहुत इम्पॉर्टेंट है, इमोशनल है, इमोशनली वो भी बहुत ज़्यादा वीक है, ओवरथिंक कर लेता है चीज़ों को, स्ट्रेस्ड हो जाता है, किसी ने कुछ बोल दिया वही सोच रहे हैं। फ्रेंड सर्कल्स अच्छा है तो उन लोगों से अच्छी बातचीत है, रिश्तेदारों से बहुत बातचीत है, फेसबुक इंस्टा व्हाट्सएप पर अपडेटेड रहता है, नोटिफिकेशन जैसे ही आते हैं इसका मन विचलित हो जाता है। मोबाइल फ़ोन बहुत इम्पॉर्टेंट है और इसका भी माइंड सेम है। अभी ये दोनों का स्टेटस हम लोग को समझ आ गया कि ए भी वैसा है और बी भी वैसा है। अब ये चीज़ दोनों को पता है कि एग्ज़ाम में 3 महीने बाकी है, ठीक है। अब जो हमारा ए है ना, इसको पता है कि अभी हमारी एग्ज़ाम्स में 2-3 महीने बाकी है, एग्ज़ाम्स बहुत पास है, एग्ज़ाम्स का लेवल अलग है, तो मुझे पढ़ना चाहिए, इसको ये चीज़ पता है, ठीक है। ये सेम चीज़ें बी को भी पता है कि अभी मुझे मेरी एग्ज़ाम्स पास में है, कम टाइम है, मुझे पढ़ना चाहिए, मुझे ये सब चीज़ों पे ध्यान नहीं देना चाहिए। अब जो ए बंदा है वो क्या करता है, उसको ये सब पता होने के बावजूद वो ऐसा नहीं करता है। उसका मन इतना ज़्यादा दूसरी चीज़ों में एंगेज्ड है कि वो नहीं फोकस कर पा रहा है, उसका ध्यान इन सब चीज़ों में ही है। मतलब उसको सारी चीज़ें पता है कि उसके लिए क्या सही है और क्या गलत है, बट स्टिल वो इसी सब चीज़ों में एंगेज्ड है। तो हमारा बी है, उसको भी ये सब कुछ पता है कि वो उसको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, पर उसने अभी डिसाइड कर लिया है कि अब जो भी ये सब चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें 2-3 महीने वेट कर सकती है। मतलब ये फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, मीम, स्ट्रेस से ओवरथिंक करना, रिश्तेदार, फ्रेंड्स, सब कुछ जो लोग हैं वो 2-3 महीने वेट कर सकते हैं। अब उसकी ऐसी थिंकिंग है, तो उसने क्या किया कि जो भी उसको थॉट आता है वो सोचता है मैं 2-3 महीने बाद इस पे काम करूँगा, कोई परेशान कर रहा है 2-3 महीने बाद मैं इससे निपट लूँगा, अभी कुछ फ्रेंड्स की पार्टीज़ है, कुछ है, तो वो सोचता है आराम से एग्ज़ाम के बाद मिल लूँगा।
और सारी चीज़ों को उसने क्या किया, इस तरीके से समझ लिया कि अभी मेरे पास 2-3 महीने हैं और ये मेरी पढ़ाई के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। पर जो ए बंदा है वो इस चीज़ को, उसको पता है कि 2-3 महीने बहुत इम्पॉर्टेंट है, पर उसको क्या लगता है कि यार दोस्त क्या सोचेंगे, रिश्तेदार क्या सोचेंगे, ये क्या सोचेंगे, वो क्या सोचेंगे, वो भी इन सारे क्वेश्चंस से घिरा हुआ है, तो वो फोकस नहीं कर पा रहा है। उसकी लाइफ अभी इसी के आसपास रिवॉल्व हो रही है। बी तो भाई साहब समझ गया कि 2-3 महीने बहुत इंपॉर्टेंट है और अगर अभी काम नहीं किया तो अपने तो काम टल जाएंगे, तो उसने ये सब कुछ छोड़ दिया। और वो कुछ भी अगर ऐसा होता है तो सोचता है कि ठीक है 2-3 महीने ये सारी चीज़ें वेट कर सकती है, पर मेरी एग्ज़ाम्स वेट नहीं कर सकती है। अटैम्प्ट भी वापस आ सकता है, पर मुझे इसी अटैम्प्ट में क्लियर करना है। ए इन सब चीज़ों में लगा है, बी उन सब चीज़ों में लगा है। अब आपको भी पता है कि कौन बच्चा क्लियर कर सकता है और कौन नहीं कर सकता है। तो ये जो स्टोरी बताने का मेरा क्या पर्पस है कि यार आपके जो भी लोग हैं ना, आप उनको बता दो कि जो भी स्यापा है वो आप 2 महीने के बाद देखेंगे। हम 2-3 महीने बिल्कुल नहीं हमको आप लोगों की बातों में पढ़ना है। आपको खुद को बाउंड्रीज सेट करनी पड़ेगी अपनी लाइफ में, और ये सारी चीज़ें वेट कर सकती है यार। पर आपका अटैम्प्ट जो है, आपका जो गोल्स है, वो वेट नहीं कर सकती। एक बार टाइम निकल गया ना तो सारी चीज़ें फिर आपके हाथों से निकल जाती है। तो आपको ये चीज़ को समझना पड़ेगा। और ये सब आपका एक बिलीफ सिस्टम है कि नहीं मैं कर सकता हूँ या मैं नहीं कर सकता हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं लोगों को अवॉइड कर सकता हूँ, अभी मेरे लिए क्या इम्पॉर्टेंट है, ये सब कुछ आपका बिलीफ सेट करता है। तो आप आपकी प्रायोरिटीज़ को सेट करो, बाउंड्रीज़ को सेट करो और उसके अकॉर्डिंग काम करो। टाइम अब कम है, अब आपका एक्चुअल परफॉर्मेंस का टाइम आ गया है कि अभी आपको जो फुल एंड फाइनल प्रिपरेशन है वो करनी पड़ेगी। अभी ऐसा नहीं है कि बहुत टाइम है तो देखेंगे। सो यू हैव टू वर्क अकॉर्डिंगली। ठीक है, आई होप यू लाइक दिस वीडियो और आपको समझ आया है कि जो चीज़ मैं आपको समझाना चाहती हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो लाइक शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल इफ़ यू हैव नॉट येट सब्सक्राइब्ड। बाय।